अब जो चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उसका नाम है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। इसमें मैं स्टार्ट एक्विजिशन ऑफ बिजनेस से करता हूं, उसके बाद प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में जाएंगे। दोनों टॉपिक जो अलग अलग है दोनों को एक चैप्टर के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है मैं आपको उसका भी बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और उसका नाम है से जितेश एंड ब्रोस। ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, नाम खाली जितेश एंड ब्रोस है, दुकान के ऊपर वही लिखा हुआ है। इसका जो प्रोप्राइटर है उसका नाम है जितेश, उसकी एक बैलेंस शीट है, बुक्स बनाता है वो अपनी, उसकी एक बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट मान लीजिए 1/4/2020 की है। ये उसके फिक्स्ड असेट्स हैं, ये उसके करेंट असेट्स हैं, ये उसकी कैपिटल है, ये उसके लोन्स हैं, ये उसकी करेंट लायबिलिटीज हैं। फिगर्स आर इन लैक्स, ये सिचुएशन है। अब मान लीजिए ये कंपनी, ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इन लोगों का मान लीजिए टेक्सटाइल का काम है। अब इस बंदे ने, जितेश ने डिसाइड किया कि भाई मेरे को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करनी है, मैं कंपनी बनाना चाहता हूं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूं, एंड हम इसको कॉर्पोरेटाइज करना चाहते हैं। एंड इफ ही डिसाइड्स टू डू दैट, सबसे पहले आपका थिंकिंग ये होना चाहिए कि जितेश प्रोप्राइटरशिप फर्म है और वो एक कंपनी बनाएगा जिसका नाम है मान लीजिए ए बी प्राइवेट लिमिटेड। तो ए बी प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये मत भूलिएगा, और वो जितेश नाम के प्रोप्राइटर का बिजनेस को अक्वायर करेगी, ये मत भूलिएगा, और दो सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसको अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो आपको मेरा चीज तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो मान लो ये हुआ, ए बी प्राइवेट लिमिटेड ने बोला हम जितेश का बिजनेस को टेक ओवर करेंगे, और मान लीजिए टेक ओवर डेट डिसाइड हुआ 1/4/20, और आपके पास बैलेंस शीट डेट भी 1/4/20 है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि ए बी प्राइवेट लिमिटेड जितेश को कितना रुपया देगा इस बिजनेस के बदले। सर जितेश का ही तो कंपनी है, जितेश का ही तो बिजनेस है, ना सेपरेट लीगल एंटिटी। मान लो डिसाइड हुआ ए बी प्राइवेट लिमिटेड जितेश को देगा 590 लाख रुपीज। ये जो 590 लाख रुपीज देगा इसको बोलिएगा दिस इज परचेज कंसिडरेशन। अमलगमेशन में खूब सुने हो, पार्टनरशिप में खूब सुने हो, दोनों ग्रुप टू में है, तो इसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। द अमाउंट पेएबल बाय द परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर, यहां वेंडर कंपनी नहीं बोल रहा, टू द वेंडर। सेकेंड एपिसोड, एबी प्राइवेट लिमिटेड जितेश के पास जितना भी एसेट लायबिलिटी है, माइंड माय वर्ड्स, एसेट लायबिलिटी, कैपिटल को लायबिलिटी नहीं बोलना, वो इक्विटी है, एसेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू निकालेगा। उस फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को शॉर्ट में बोलेंगे नेटो, नेट असेट्स टेकन ओवर, और ये फेयर वैल्यू एक्सपर्ट लोग आके निकालते हैं। तो मान लो फिक्स्ड असेट का फेयर वैल्यू इज 440, करेंट असेट्स का फेयर वैल्यू इज 320, लोन वगैरह का फेयर वैल्यू जनरली सेम होता है, करेंट लायबिलिटी का भी फेयर वैल्यू जनरली सेम होता है, अगर कुछ अलग हुआ तो आप अलग कर लीजिएगा। ये सेकेंड स्टेप है, इसको नेटो बोलते हैं, एक्सपर्ट आकर के निकालता है, नेट असेट टेकन ओवर नाम है। अगर आप इसका टोटल कर देते हैं तो आया 460, ये हो गया नेटो, ये ऊपर में 590 हो गया पीसी। तो द थर्ड स्टेप इज दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसका नाम गुडविल या कैपिटल रिजर्व, मेरे एग्जांपल में गुडविल आया। कारण इज एबी प्राइवेट लिमिटेड इज पेइंग मोर 130 लाख रुपीज मोर टू जितेश फॉर हिज बिजनेस, मोर देन व्हाट, मोर देन दी
नेट असेट्स टेकन ओवर, माने जितना का वो माल ले रहा है एबी प्राइवेट लिमिटेड, उससे ज्यादा पेमेंट कर रहा है किसको, जितेश को। तो ज्यादा पेमेंट करने से जो डिफरेंस होता है उसको गुडविल बोलते हैं। गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन 590 एंड 460 विच इज 130। अगर ये 460 की जगह 660 होता नेटो और पीसी 590 ही होता तो 70 लाख रुपया जो कम पेमेंट कर रहा है एबी प्राइवेट लिमिटेड उसका नाम हो जाता कैपिटल रिजर्व। ये तीन वर्किंग नोट रेडी हो जाने के बाद यह पता करना पड़ता है कि 590 लाख रुपीस का पेमेंट एबी प्राइवेट लिमिटेड कैसे करेगा। तो मान लो डिसीजन हुआ कि एबी प्राइवेट लिमिटेड विल इश्यू इक्विटी शेयर्स एट रुपीस 20 ईच, फेस वैल्यू 10। एबी प्राइवेट लिमिटेड अपने 10 रुपए के इक्विटी शेयर 20 रुपया करके इशू करेगा, माने 590 लाख रुपीस के लिए वो इशू करेगा 29.5 लाख शेयर्स। एसी बंद करना ना एक बार। 29.5 लाख शेयर इशू करेगा, ये भी ढूंढना जरूरी है। कई बार फुल पेमेंट कैश में भी हो जाएगा तो टू कैश भी हो सकता है। तो ये तीन चीज आप ढूंढ लो, पीसी विथ फुल डिटेल, नेटो एंड गुडविल। उसके बाद अकाउंटिंग जर्नल एंट्री स्टार्ट होता है। जर्नल एंट्री के दो आस्पेक्ट हैं, दो मेथड हैं, दो प्रोसेस हैं। प्रोसेस इज, अगर एबी प्राइवेट लिमिटेड अपना सेपरेट बुक्स खोला तो क्या, और जितेश की बुक्स को कंटिन्यू किया तो क्या। हाँ, दोनों एक बार बंद कर दो फिर चला देना। ज्यादातर केसेस में एबी प्राइवेट लिमिटेड अपनी सेपरेट बुक्स खोलता है। सेपरेट बुक्स खोला तो तीन एंट्री, कंटिन्यू विद द सेम बुक्स किया तो दो एंट्री, रिजल्ट विल बी सेम, भरोसा रखना। सेपरेट बुक्स अगर खोलता है तो कैसे तीन एंट्री होती है, देखो। सेपरेट बुक्स, एबी प्राइवेट लिमिटेड अपना अलग बुक्स खोलेगा, जितेश का बुक जितेश तुम रख ले, फाड़ के फेंकना, जो करना हो कर दे, तेरा बैलेंस शीट तुमको जो करना हो कर ले, हम अपना नया बुक्स खोल रहे हैं। पहला जर्नल एंट्री देखो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर या जितेश। ये एंट्री ये बताने के लिए होती है कि हेलो मिस्टर जितेश, 590 लाख रुपया का तुमसे हमने बिजनेस खरीदा है, हम तुमको ये पैसा दे देंगे। टू वेंडर लिखने का मतलब है ये मेरी लायबिलिटी है, हम पे करेंगे, ये भी प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा है। और बिजनेस परचेज बोलने का मतलब है इतने रुपए का मैंने धंधा खरीदा है। तो तुरंत सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि ये जो धंधा खरीदे हो इसमें है क्या क्या चीज। तो आंसर इज, चार असेट लायबिलिटी है और एक गुडविल है, वो भी एक असेट है। तो टोटल पांच असेट लायबिलिटी मैंने खरीदी है, टोटल पांच असेट लायबिलिटी, तो उनको लिख लो बुक्स में। और कौन से वैल्यू पे लिखोगे, आंसर इज फेयर वैल्यू पे। फिक्स्ड असेट डेबिट, करेंट असेट डेबिट, गुडविल डेबिट, टू लोन टू करेंट लायबिलिटी, पांच असेट लायबिलिटी हो गई, टू बिजनेस परचेज। क्योंकि बिजनेस परचेज तो जस्ट नाम का असेट था, वो कोई असेट नहीं था। असेट तो ये है रियल असेट्स, बिजनेस एक असेट थोड़ी है। बिजनेस की बैलेंस शीट में बिजनेस असेट नहीं होता, असेट असेट होता है। तो इनको कौन से वैल्यू पे लिखेंगे, आंसर इज जो एक्सपर्ट निकाल के गया है, 440, 320, 130, 180, 120, और ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली 590 आ जाएगा। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ना, ये तीनों वर्किंग नहीं बनाते हैं, खाली पीसी निकाल लेते हैं, नेटो और गुडविल का वर्किंग बनाते ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं आप लोग वर्किंग बना के ही सम बनाना, लेकिन अगर वर्किंग नहीं भी बनाओगे ना तो ये जर्नल एंट्री वर्किंग की तरह काम कर लेगा। देखो, आप अगर 440, 320, 180, 120 लिख देते हो, ये नेटो ही तो है, नेटो 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 नेटो, और ये रहा पीसी, डिफरेंस ऑटोमेटिकली गुडविल आ गया। तो ये जर्नल एंट्री को देख लो अगर आप, तो यही तो छह अमाउंट लिखे हुए हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपने वर्किंग में बनाए हैं। तो कई लोग वर्किंग नहीं भी बनाते हैं, आप वर्किंग बनाओगे तो सेफ रहोगे। अब ये सारा असेट लायबिलिटी जैसे ही एबी प्राइवेट लिमिटेड अपने बैलेंस शीट में बुक्स में लिख देगा तो उसके उसके बुक्स में भरा हुआ असेट लायबिलिटी सब आ गया जो वहां से आया बिजनेस से। उसके बाद वो लायबिलिटी का पेमेंट कर देगा जिसका एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट 590 टू इक्विटी कैपिटल 295
टू सिक्योरिटी प्रीमियम 295, वेंडर डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम इज द लास्ट एंट्री, थर्ड नंबर एंट्री। ये तीन एंट्री ग्रुप टू में जब आप अमलगमेशन पढ़ोगे एकदम जेरोक्स कॉपी टाइप से ये तीन एंट्री पढ़ने मिलेगा, और ग्रुप वन में प्री पोस्ट में आपको पढ़ने मिल रहा है, क्योंकि अभी प्री पोस्ट तो चालू ही नहीं हुआ, अभी तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस चल रहा है। अच्छा, ये तीन एंट्री का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद हम आपको बता दें, अगर एबी प्राइवेट लिमिटेड बोला, बिकॉज आफ्टरऑल एबी प्राइवेट लिमिटेड का मालिक जितेश ही होने वाला है, वो बोला जितेश का ही जो पुराना बुक्स है उसी को कंटिन्यू कर देंगे, पॉसिबल है? इंस्टीट्यूट बोला है। कैसे? बोला असेट लाइबिलिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है, खाली चेंज करना है, लिखा हुआ है खाली चेंज करना है, गुडविल नहीं लिखा हुआ है, लिख देना है, और कैपिटल जो 400 है उसको 590 बना देना है। माने असेट लाइबिलिटी के फिगर को बदल दो, जो नहीं लिखा हुआ उसको ले आओ, और कैपिटल को पीसी बना दो। क्या बोला फिर से सुनो, असेट लाइबिलिटीज को बदल दो, गुडविल जो नहीं लिखा हुआ है लिख दो, और कैपिटल को पीसी के बराबर बना दो, बिकॉज कैपिटल का ही जो मालिक है उसी को परचेज कंसिडरेशन एबी प्राइवेट लिमिटेड देगा। तो एबी प्राइवेट लिमिटेड जितेश की बुक्स को दोनों हाथ से रिसीव करेगा प्यार से, और ये जर्नल एंट्री पास करेगा। देखो, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 40, असेट को बढ़ाना, करेंट असेट अकाउंट डेबिट 20, करेंट असेट को बढ़ाना, गुडविल अकाउंट डेबिट 130, गुडविल को बुक्स में लाना, टू जितेश कैपिटल, जो ये वाला कैपिटल है ना, इसी बुक्स में हम लोग एंट्री मार रहे हैं, इसी लोगों का बुक्स में जर्नल मार रहे हैं, टू जितेश कैपिटल या टू कैपिटल 190, 4, 2, 6, 3, 9, 190, कैपिटल को पीसी बना दिए। अब जितेश का कैपिटल हो गया 590, और असेट लाइबिलिटी जैसे इस जगह पे जैसे बुक्स में आया इसी तरीके से बुक्स में उतना ही अमाउंट बन गया, क्योंकि ऑलरेडी ये अमाउंट था बुक्स में, अब ये अमाउंट से हम लोग बदल दिए तो फेयर वैल्यू आ गया। एंड सेकेंड एंट्री यू कैन गेस, जितेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 590 टू इक्विटी कैपिटल 295 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 295। अगर आप कर देते हो तो सेम टू सेम जो इस तीन जर्नल एंट्री का इंपैक्ट आएगा नया बुक्स बना के, इस दो जर्नल एंट्री का इंपैक्ट कंटिन्यू विद द ओल्ड बुक्स में सेम आएगा। तो आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा वेदर एबी प्राइवेट लिमिटेड इज ओपनिंग इट्स ओन सेपरेट बुक्स। चलो यस, लेट्स पास थ्री एंट्रीज। नो, जितेश का ही बुक को एबी प्राइवेट लिमिटेड कंटिन्यू करेगा, लेट्स पास ओनली टू जर्नल एंट्रीज। दोनों का एंड रिजल्ट इज सेम। अब देखिए, ये जो डिस्कशन हम लोगों ने एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का कंप्लीट किया, अब हम लोग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट पे जाते हैं। इसमें आपको ऐसे सोचना है कि मान लो बैलेंस शीट डेट 1/4/20 का ही है, डेटा वही वाला है, लेकिन बिजनेस टेक ओवर जो हुआ वो 1/4/20 को ही हुआ, लेकिन जो एबी प्राइवेट लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया ऑन दैट डेट, बिकॉज ऑफ आर कंपनी लॉ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने में टाइम लग जाता है। तो वो मान लो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया 1 जुलाई 2020 को, 3 महीने लग गए। और अगर लिमिटेड कंपनी होगा ना तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट से दिमाग लगाइएगा। तो मान लो 1 जुलाई 2020 को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया लिमिटेड कंपनी के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट 1 जुलाई को। तो ये जो तीनों एंट्री या वो जो दोनों एंट्री आप देखे ना, तीनों और दोनों, वो एंट्री मारी जाएगी 1 जुलाई को, बिकॉज कंपनी की बुक्स तो 1 जुलाई से बनना चालू होगी ना, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेशन ही 1 जुलाई को हुआ। तो जब 1 जुलाई को कंपनी पैदा ही हुई है तो एंट्री वो 1 जुलाई को मार पाएगी, लेकिन डेटा सोचो 1 अप्रैल 2020 का लेना होगा और एंट्री 1 जुलाई 2020 को मारना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल है, नॉट अ बिग डील। हालांकि नॉर्मल से मेरा मतलब ये नहीं कि रोज रोज होता है, पर जहां होता है ऐसा होता है। आजकल मैं इस तरह का चीज प्रैक्टिकली मैंने देखे हुए 15-20 साल हो गए,
लेकिन मान लो क्वेश्चन पेपर अच्छा बनता है, इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है तो ठीक है। तो मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट 1 जुलाई 2020 को हुआ, तो पहला नॉलेज कि वो तीनों या वो दोनों एंट्री, डिपेंडिंग ऑन वेदर सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड और न्यू बुक्स आर, सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड और सेम बुक्स आर कंटिन्यूड, तीन और दो एंट्री 1 जुलाई को मारेंगे। सेकेंड चीज अब क्या है कि ये जो अप्रैल मई और जून जो 3 महीना गुजरा ना, अप्रैल मई और जून, क्योंकि कंपनी ने डिस्कशन 1 अप्रैल को कर लिया था, टेकओवर 1 अप्रैल को कर लिया था, खाली इनकॉर्पोरेशन ही तो बचा हुआ था। तो ये जो अप्रैल मई और जून जो 3 महीना गुजरा, इस पीरियड को बोला जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और 1 जुलाई के बाद जो भी पीरियड आएगा वो होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो मान लो नॉर्मली स्पीकिंग कंपनी ने अपना ईयर एंडिंग नॉर्मली 31/3/21 को किया, 31/3/2021 को किया, तो आज आपका एजेंडा यह होगा कि यह जो पूरे 1 साल का पीरियड है, 1 अप्रैल 20 से लेके 31/3/21 तक, इस पूरे 12 महीने की पीरियड को आप दो पीरियड में डिवाइड करोगे, 3 months and 9 months। 3 month हुआ अप्रैल मई जून, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, हम बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हम उस पीरियड को बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब सर करना क्या है? कुछ नहीं बच्चों, करना यह है कि इसका प्रॉफिट अलग निकालना है, इसका प्रॉफिट अलग निकालना है, दो कॉलम पीएल बनाना है। सर दोनों ही तो प्रॉफिट कंपनी का होगा? यस, क्योंकि कंपनी ने बिजनेस 1 अप्रैल को ले लिया था, इनकॉर्पोरेट बाद में हुआ तो क्या हुआ, बिजनेस तो 1 अप्रैल को टेक ओवर हो गया था, तो दोनों प्रॉफिट कंपनी का होगा, लेकिन दो अमाउंट निकलेगा क्योंकि ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स अलग अलग है। इस 3 महीने की प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे, इस 9 महीने की प्रॉफिट को P&L, जिसका नाम सरप्लस होता है ना कंपनी बैलेंस शीट में, उसमें भेजेंगे। दोनों रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, दिस इज ए कैपिटल रिजर्व, दिस इज ए सरप्लस। तो मान लो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट हुआ 90 लाख और पोस्ट का प्रॉफिट हुआ 600 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कंपनी का है। बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में 90 लाख विल गो टू कैपिटल रिजर्व, 600 लाख विल गो टू P&L सरप्लस। दोनों पीएल बना के निकलेगा, दोनों के लिए डबल कॉलम पीएल बनाएंगे, डबल कॉलम ही पीएल बनाएंगे। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लॉस हुआ, पोस्ट में भी लॉस हुआ, तो अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लॉस हुआ तो कैपिटल रिजर्व का उल्टा क्या है, गुडविल। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लॉस को गुडविल में डाल देना। तो ये जो गुडविल का बैलेंस है ना 130, ये और बढ़ के 130 दिख रहा है आपको, ये 130 बढ़ के 220 हो जाएगा अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लॉस हुआ तो। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर लॉस हुआ तो आप जानते हो ना रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस को ब्रैकेट में भी रखा जाता है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। तो लॉस प्रॉफिट दोनों का बात में बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू डिटरमिन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट, हाउ टू डिटरमिन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट। इसका आंसर है कि सबसे पहले वी विल प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फुल 12 मंथ सिंगल कॉलम। पंचू एक मिनट के लिए नीचे आओ, वी विल प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फुल 12 मंथ सिंगल कॉलम एंड वी विल फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो पूरे 12 महीने की ग्रॉस प्रॉफिट आई 1500 लाख, सिंगल कॉलम ट्रेडिंग बना करके फुल 12 महीने का आ गया 1500 लाख रुपया। सर देन वी विल डिवाइड दिस ग्रॉस प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन द रेशियो ऑफ सेल्स, क्योंकि जीपी है, सेल्स से इंपैक्टेड होता है। तो जीपी को सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो सर सेल्स रेशियो मतलब 3 महीना में जो सेल आया कंपनी का और 9 महीना में जो सेल आया कंपनी का। सर 3 महीना का सेल कंपनी का तो सेल नहीं है, कंपनी का ही सेल बोलेंगे, भले उस वक्त कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो क्या हुआ, वो भी कंपनी का ही सेल है।
तो सर 3 महीना और 9 महीना का सेल का डेटा हम लोगों के पास रहेगा? यस, हम क्वेश्चन में दे देगा। मान लो सेल रेशियो इज, सेल रेशियो इज 3:12, 1:4, तो 1:4 में 1500 को डिवाइड कर दीजिए, सेल रेशियो में 300 और 1200 आ जाएगा। एसी चला दो, चार पांच कुछ भी चला दे, 3 चला दे। तो अगर सेल रेशियो दिया हुआ है तो सेल रेशियो में जीपी को डिवाइड कर दीजिएगा। कई बार सेल रेशियो ऐसे नहीं देख के वो लोग ऐसे बोलता है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, अगस्त एंड सितंबर द सेल पर मंथ वाज डबल देन द नॉर्मल मंथली सेल ऑफ अदर मंथ्स। क्या बोले, फिर से बोलो। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, अगस्त एंड सितंबर मंथली सेल आर डबल देन द नॉर्मल मंथली सेल। अब इसका फंडा क्या है कि कैसे निकालेंगे फिर सेल रेशियो? तो आप ये देखिए, अप्रैल, मई और जून, 3 महीना तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में था, अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल और मई में डबल डबल सेल है, जून में सिंगल सेल है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल हो गया 5। अगर 1 को नॉर्मल सेल मान ले तो 2 को डबल सेल मान ले, उस तरह से 1 पकड़ रहे, एक्स भी पकड़ सकते हो, तो 5x हो जाएगा। और यहां पे है टोटल 9 मंथ। 9 मंथ कौन सा है? अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसमें अगस्त सितंबर में है 2-2, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 1-1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, या ऐसे ही पकड़ सकते हो, टोटल 9 मंथ का 9 और 2 महीना में 1-1 एक्स्ट्रा। 9 मंथ का 9 और 2 महीना में 1-1 एक्स्ट्रा, 2-2 है तो 1-1 एक्स्ट्रा, 5:11। तो 5:11 इज योर सेल्स रेशियो, जीपी को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो। 1:4 रहा तो, 5:11 रहा तो नॉलेज है, सम में जो रहेगा आप डिवाइड कर दो। और वहां से डबल कॉलम पीएल बनाना स्टार्ट करो, कोशिश करना कि पीएल वर्टिकल फॉर्म में बने। इस तरह का 2 कॉलम बना लो, प्री, पोस्ट, पी एंड एल अकाउंट, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स। स्टार्ट करो ग्रॉस प्रॉफिट से, अब आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। अब आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी इनकम और एक्सपेंस है वो सेल से इंफ्लुएंस्ड हो रहा है कि टाइम के हिसाब से हो रहा है। बिकॉज सी, योर सेल रेशियो इज से 1:4, से 1:4, बट योर टाइम रेशियो इज 3:9। सर हाउ टाइम रेशियो इज 3:9? आप देखिए, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 3 महीना का है, पोस्ट 9 महीना का है, महीना महीना टाइम 3:9, तो योर टाइम रेशियो इज 3:9। तो आप देखिए, आपका सेल्स रेशियो इज से 1:4, बट टाइम रेशियो इज 3:9, दैट इज 1:3। तो अब आपको यह पता करना पड़ेगा आपके कौन से एक्सपेंडिचर और इनकम टाइम के हिसाब से मूव करते हैं। टाइम, फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड इनकम, रेंटल इनकम, रेंटल एक्सपेंस, सैलरी, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, स्टाफ वेलफेयर, इस तरह के जो खर्चे हैं, जनरल एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, स्टाफ सैलरी, इस तरह के सारे खर्चे जो टाइम पे डिपेंड करते हैं उनको टाइम रेशियो पे डिवाइड करके एक 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 करके नाम, जैसे पीएल बनाते हो, उनका अमाउंट यहां पे लिखते जाओ। और जो जो खर्चा सेल रेशियो पे डिपेंड करता, लाइक बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टीजमेंट, उन सबको सेल्स रेशियो में डिवाइड करके लिखते जाओ। यहां नाम लिखते गए, यहां लिखते गए। इनकम में भी वही फंडा लगाने का है, तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगेगा कि विच एक्सपेंसेस आर इनकम्स आर डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड विच आर डिपेंडिंग ऑन सेल्स। वेरिएबल एक्सपेंसेस शुड बी डिवाइडेड यूजिंग सेल्स रेशियो, फिक्स्ड आइटम शुड बी डिवाइडेड यूजिंग टाइम रेशियो। फिर आपको ऐसे आइटम खोजने पड़ेंगे जो वन टाइमर हैं। वन टाइमर माने एक्सेप्शनल, कभी कभी होते हैं, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ भी बोल दो। जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉटरी इनकम हो गया,
तो वो तो किसी पीरियड को बिलोंग नहीं करता, वो तो जब हुआ उसी पीरियड को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लॉटरी लगी अगस्त महीना में, तो अगस्त किधर है, अगस्त के 16 तारीख को लॉटरी लगी, अगस्त किधर है, अप्रैल मई जून यहाँ है, जुलाई अगस्त सितंबर सब इधर है, तो लॉटरी इनकम आया तो लॉटरी इनकम को इधर लिख दो। बैड डेट विल बी डिवाइडेड यूजिंग सेल्स रेशियो, लेकिन बैड डेट रिकवरी इज ए वन टाइम आइटम। बैड डेट रिकवरी कब हुआ, बोला नवंबर में हुआ, तो बैड डेट रिकवरी इनकम साइड में लिख दो पोस्ट में। तो ये थोड़ा वन टाइमर इनकम को, वन टाइमर एक्सपेंस को केयरफुली जब वो हुआ तब लिखने का है। फिर ऐसा आइटम सब आता है जो सिर्फ कॉरपोरेट आइटम है, जो कंपनी छोड़ के कहीं नहीं होता, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, अंडरराइटिंग कमीशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, रजिस्ट्रार ऑफिस एक्सपेंसेस। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंस होंगे जिसके नाम से कंपनी की बू आती है, बदबू नहीं बू, खुशबू, खुशबू नहीं भी बोलो तो बू। सो दिस टाइप ऑफ आइटम्स, मैं नाम फिर से बोलता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, डायरेक्टर्स फीस एंड अलावेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, इन सब को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो कंपनी वाला पीएल है ना, कंपनी बन गई थी जो, उस कॉलम में लिख दो। फिर ऐसे आइटम भी मिलेंगे जो सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन को बिलोंग करते हैं, जैसे सैलरी टू जितेश, इंटरेस्ट टू जितेश फॉर 3 months। जैसे मान लो इस बंदे का पीसी जो 590 लाख था ना, मान लो उसको हम लोग पेमेंट किए, पेमेंट तो कंपनी करेगी, शेयर इशू तो करेगी, तो शेयर इशू तो जुलाई के पहले हो नहीं पाएगा, बिकॉज अप्रैल मई जून में तो कंपनी बनी नहीं, जुलाई में कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया था, जुलाई में शेयर इशू करेगी, तो कंपनी ने मान लो इसको 1 जुलाई को शेयर इशू कर दिया, तो अप्रैल मई जून का जितेश इंटरेस्ट मांगेगा, उसको बोलते इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन पीसी। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन। तो वो अगर 3 महीना का है तो उसको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिख दो। अच्छा, कई बार क्या होता है, पीसी का पेमेंट 4 महीना डिले हो गया, 3 महीना की जगह 4 महीना, बोला क्यों, अप्रैल मई जून के बाद तो हम देंगे नॉर्मली, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट जुलाई 1 को हुई, पेमेंट करते वक्त 1 अगस्त हो गया, इशू ऑफ शेयर 1 अगस्त के पहले कर ही नहीं पाए, तो इन दैट केस डिले इज फॉर 4 months, अप्रैल मई जून जुलाई, एंड दैट 4 month में 3 month बिलोंग्स टू प्री एंड 1 month बिलोंग्स टू पोस्ट। तो इंटरेस्ट टू वेंडर को बड़ा केयरफुली कैलकुलेट करने का, अकॉर्डिंगली 3:1 को लिख देने का है। अगर पूरा 3 में हो तो 3 में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्री में लिख देंगे, और अगर उसको सैलरी दी है 3 महीना का एज ए प्रोपराइटर तो वो प्री में आएगा, और वही बंदा डायरेक्टर बन करके उसको डायरेक्टर रेमुनरेशन दिए तो वो पोस्ट में आएगा। इस तरह से आप लोग इनकम एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। इसमें एक चीज हमको और बताना है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस मतलब कंपनी का ऑडिट है, स्टैट्यूटरी कंपनी, कंपनी ऑडिट, तो पोस्ट में लिखना है। लिखा टैक्स ऑडिट फीस, अब टैक्स ऑडिट क्या होता है कि वो साला रेवेन्यू बेस्ड होता है, टर्नओवर बेस्ड, तो उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है, सेल्स रेशियो में। और लिखा खाली ऑडिट फीस, पता ही नहीं चल रहा साला का चीज का ऑडिट है, तो उसको टाइम रेशियो पे डिवाइड कर देना, टाइम रेशियो पे। तो प्लेन ऑडिट नीचे में एजम्पशन भी लिख देना कि प्लेन ऑडिट फीस इज डिवाइडेड यूजिंग टाइम रेशियो, टैक्स ऑडिट फीस सेल्स रेशियो, स्टैट्यूटरी ऑडिट पोस्ट। अकॉर्डिंगली जब ये कॉलमनर फॉर्म में ट्रेडिंग पीएल बन जाएगा प्री पोस्ट का, नेट प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 90 और 600, 90 को कैपिटल रिजर्व में भेज दीजिएगा, 600 को सरप्लस बोल करके बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में भेज दीजिएगा। मैं आपके सामने ना एक रखता हूं डिटेल, आप जरा देखिए किस तरह से हम लोग एक्चुअल में काम करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपकी क्लास का ही, किस तरह से हम काम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम प्री पोस्ट के सम में, प्री पोस्ट के सम में ये तीनों डेट लिख देंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ईयर एंड डेट, उसे टाइम रेशियो निकल जाएगा, और ये सेल्स रेशियो। ऐसे करके ट्रेडिंग अकाउंट सिंगल कॉलम बना लेंगे। उसके बाद जब पीएल बनाएंगे
वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, प्री पोस्ट बेसिस और पर्टिकुलर्स लिख के, जीपी सेल्स रेशियो में, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो, ट्रैवलिंग कमीशन सेल्स रेशियो, सैलरी एडमिन रेंट टाइम रेशियो, डायरेक्टर फीस पोस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट लॉस आ गया। नेट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला गया प्री वाला, और पोस्ट वाले में लॉस आया तो सरप्लस बोल करके ब्रैकेट में आ गया। अब बहुत सारे समय इस तरह के, मैं आपको खाली एक चीज और दिखाना चाहता था, वो है ये, इसको देखो। सेम समय प्री पोस्ट करके सेम सम बनाए, प्री पोस्ट हुआ, ये देखिए फाइनली नेट प्रॉफिट प्री और पोस्ट वाला आया। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा, देखो दोनों बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में ही गया। दिस गोज टू कैपिटल रिजर्व, दिस गोज टू सरप्लस, दोनों कंपनी का ही है। तो रिजर्व सरप्लस का जब नोट बनाएंगे ना, नोट हर कंपनी बैलेंस शीट में तो हर आइटम का नोट बनता है ना, तो रिजर्व सरप्लस का नोट नंबर टू में लिखेंगे कैपिटल रिजर्व 20250, प्रॉफिट एंड लॉस डैश सरप्लस 63850, टोटल 8400। सो दिस इज द एंड ऑफ रिविजन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अच्छा एक लाइन और बोलना है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आपको पता चलेगा ना कि जीपी इज नॉट टू बी डिवाइडेड ऑन सेल्स रेशियो, जीपी सेल के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, एक पीरियड में प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जीपी परसेंटेज अलग है, पोस्ट का जीपी परसेंटेज अलग है, तो जीपी को सेल्स रेशियो में आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। मान लो प्री में खर्चा ज्यादा लग रहा है, पोस्ट में खर्चा कम लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करना होगा कि आपको जो मैंने बोला ना ट्रेडिंग अकाउंट सिंगल कॉलम बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट को भी डबल कॉलम बना देना, और ट्रेडिंग का भी हर आइटम प्री पोस्ट कर देना, तो जीपी भी अलग से निकल करके आ जाएगा। जीपी डिवाइड करके नहीं निकलेगा, अलग से निकल करके आएगा, प्री का जीपी अलग, पोस्ट का जीपी अलग। मेरे पास एक सम था, मैं आपको दिखाता हूं, आपको याद भी आ जाएगा। ये देखिए, सेल अलग लिख लिए, परचेज अलग लिख लिए, कैरेज इनवर्ड अलग लिख लिए, देखिए जीपी अलग से आ गया। डिवाइड करके जीपी नहीं निकाले, ट्रेडिंग नहीं बनाया सिंगल कॉलम, ट्रेडिंग इज ऑल्सो डबल कॉलम, दिस इज ट्रेडिंग, जीपी अलग से आ गया, एंड दिस इज पीएल, नेट प्रॉफिट अलग से आ गया। ये हम लोग तब करते हैं अगर यू फाइंड दैट जीपी इज नॉट मूविंग इन टैंडम विद सेल्स, जीपी और सेल अलग अलग तरीके से अगर मूव कर रहा है तो ये काम भी करना पड़ सकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट अलॉन्ग विथ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक एक लाइन और बोलना है, वो देखो और उसके बाद बैठ करके रिविजन के सम्स बनाओ एकदम आराम आराम से। बैलेंस शीट जब बनाओगे ना तो बैलेंस शीट प्लीज इसका शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही बनाना है। ओके ये देखिए मैंने एक बैलेंस शीट बना करके दिया है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, ये देखिए। पीएल तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में नहीं बना पाओगे क्योंकि प्री पोस्ट करोगे ना, क्योंकि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में सिंगल कॉलम होता है ना, प्री पोस्ट करोगे तो वो तो ऐसे बना देना इस तरीके से जैसा मैंने बोला आपको। बैलेंस शीट लेकिन शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाना, बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, असेट्स में नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, इसी फॉर्मेट में इनर कॉलम आउटर कॉलम करके बैलेंस शीट बना देना। थैंक यू, रिविजन करो बैठ के सम्स का।